हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एक मैंने साड़ी ली हुई है और आप देख सकते हैं इसमें पीको नहीं किया हुआ है और मैं अपने हाथों से इसको नीडल के द्वारा पीको करके दिखाऊंगी। कभी कभी ऐसा होता है अर्जेंट रिक्वायरमेंट में हमें कहीं जाना होता है या सडनली कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि हमें लगता है या हमें यही साड़ी पहननी है, तो उस टाइम पे अगर हमारी मशीन ख़राब हुई हो या फिर हम टेलर के पास नहीं जा सकते तो उस कंडीशन में क्या करें। उस कंडीशन में हम अपने हाथों से पीको कर सकते हैं और ये बहुत बारीकी के साथ होता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको करने में। 10 मिनट के अंदर आप पीको आसानी से कर लेंगे। इतनी सफाई के साथ ये वर्क होता है कि किसी को पता भी नहीं चल पाएगा आपने आखिर पीको किया कहाँ है और अपने हाथों से किया है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। पहले मैंने साड़ी के हिस्से के थोड़े से भाग को फोल्ड किया, फिर उसके बाद थोड़ी और हिस्से को फोल्ड कर लिया, यानी 2 टाइम फोल्ड कर लिया। और फिर उसके बाद आपने देखा मैंने नीडल में थ्रेड डाला हुआ था और इसके बाद मुझे इसे इस तरीके से धीरे धीरे करके सुई डालते हुए इसको नीडल को आगे की ओर ले जाना है। बहुत सिंपल है इसको करना और इजीली हो जाता है और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इतने बारीकी से ये काम होगा कि आप कोई आपकी साड़ी देखकर पहचान भी नहीं पाएगा कि असल में ये पीको हुआ कहाँ है। और जब आप उनको बताएंगे कि ये पीको मैंने अपने हाथों से किया है तो वो भी हैरान हो जाएंगे कि इतनी बारीकी के साथ आपने काम किया और उन्हें वो पहचान भी नहीं सके। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ, आप देख सकते हैं बहुत इजीली हो जाता है। घर में पीको करने के फायदे हैं काफी, अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन में कर सकते हैं, अगर आप मशीन नहीं भी है आपके पास तो आप इजीली हाथों से कर सकते हैं। और काफ़ी बेनिफिट हैं, अगर आपको सडनली नीड है साड़ी की तो आप तुरंत अपने हाथों से इसको करके साड़ी को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप बोर होने से भी बच जाएंगे। और तीसरा बेनिफिट यह है इसका कि देखिए अगर आप किसी टेलर के पास जाते हैं तो वो आपसे 10 रुपये लेता है एक साइड के या 20 रुपये लेता है, तो उस हिसाब से थ्रेड 5 रुपये का भी नहीं आता है और वो आपसे 10 और 20 रुपये ले लेता है। तो आप सोचिए 1 मीटर के करीब आपका धागा लगेगा या बहुत से बहुत चलो मान भी लो 2 मीटर भी आपका धागा लगता है तो आप फ्री में 20 रुपये बचा सकते हैं। तो है ना बेनिफिट की बात। आप खुद से देखेंगे इस वीडियो पे कितने अच्छे तरीके से पीको होके आता है और आप भी इसको एक बार जरूर ट्राई करिए। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके आप बचत कर सकते हो। महिलाओं के लिए बचत करना तो मेन मुद्दा है कि आखिर उनके पास एक तो इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, चलो सोर्स है भी तो काफ़ी खर्चे होते हैं महिलाओं के, तो इसीलिए जिनके पास सोर्स नहीं है कोई इनकम का वो इस तरीके से छोटे छोटे उपाय करके रुपयों की बचत कर सकते हैं। और अगर आप निटिंग के शौकीन हैं तो मैंने अपने चैनल पे निटिंग से रिलेटेड डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं और आप उनको ज़रूर देखिए, कुछ नेचर रिलेटेड कंटेंट हैं, कुछ भजन मैंने अपलोड किए हुए हैं अपनी वॉइस में, आप उनको भी ज़रूर सुनिए और मुझे कमेंट सेक्शन पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपना रिव्यू दीजिए कि आपको मेरे द्वारा गाए हुए भजन कैसे लगे और नेचर रिलेटेड कंटेंट आपको कितने पसंद आए। इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल कंटेंट मैंने बनाया हुआ है, वो हर किसी भी उम्र के लोग मेरी वीडियो को देख सकते हैं। मेरा पीको कंप्लीट होके आ जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे आपको एक बेनिफिट यह होगा कि जो भी अपकमिंग वीडियो होंगी वो सीधे आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाएंगी। अब आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए मैं आपको इसको दिखा रही हूँ बनने के बाद ये कैसा लगता है, देखिए कितने बारीकी के साथ काम हुआ है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ये बैक साइड है और देखिए ये फ्रंट साइड है,
कितने सफाई के साथ काम हुआ है, और बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये पी को कहाँ किया हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।